दोस्तों मेरे पास प्रश्न दिया है टेन टू ए बराबर कोट ए माइनस 18 अंश, तो मुझे कोण ए का मान ज्ञात करना है। दोस्तों मुझे कोण ए का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है, यहाँ टेन दिया है, इधर क्या दिया है कोट दिया, बराबर लगाए बीच में, यहाँ टेन दिया है, इधर क्या दिया है कोट दिया है, तो मुझे क्या करना है, या तो टेन सभी को बना लो या तो सभी को कोट बना लो। मतलब लेफ्ट में यहाँ टेन दिया है, राइट में दिया है कोट, तो लेफ्ट में टेन है तो इसको राइट में भी मुझे टेन बना लो, या यहाँ लेफ्ट में टेन है तो इसको चाहे कोट बना लो, एक जैसा मुझे बनाना है। तो भैया एक जैसा टेन को हमें कोट बनाना है, तो वो बनेगा कैसे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है बच्चों, देखिए अगर कहीं भी टेन दिया है, कहीं भी टेन दिया है और टेन मान लीजिए टेन ए दिया है और मुझे इसे कोट में बदलना है, किसमें बदलना है कोट में बदलना है, तो टेन को कोट बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, टेन के जगह पर हम कोट दो आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन 90 माइनस 90 में से कोण घटाकर, ये मेरे पास 90 में से कोण घटाकर, कोण यहाँ कितना था ए, तो टेन को कोट लिख सकते हैं लेकिन 90 में से कोण घटाकर, यहाँ जो भी है वो 90 में से घटा कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेन था बच्चों, ध्यान से समझना है, तो इस टेन के जगह पर मैंने सीधे लिख दिया कोट, क्या लिख दिया कोट लिख दिया, मैंने टेन को कोट बनाना आ गया। कैसे, टेन अगर जहाँ दिया है उसके जगह पर कोट लिख देंगे लेकिन 90 में से कोण घटाकर, तो यहाँ टेन लिखेंगे और 90 में से कोण घटा देंगे। यहाँ पर कोण कितना है, यहाँ पर बच्चों कोण दिया है 2a, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2a हम घटा देंगे, घटा दिया है, ठीक है। बराबर लगाया है तो बराबर लगाओ, बराबर में जो था सेम वैसे ही लिखेंगे, क्यों, अब मेरे मान एक जैसे हो गए, लेफ्ट और राइट में एक जैसे हो गए, यहाँ भी कोट हो गया, इधर भी मेरे पास कोट हो गया, अब मेरा सवाल सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी कोट है, ये भी कोट है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को कट कट देना है, यहाँ तो इसे छोड़ दो, क्या करेंगे ये वाला हमारा कट जाएगा, छूट जाएगा, अब क्या बचा इधर, यहाँ बचा हमारा 90 अंश और माइनस का 2 है, ठीक है। बराबर में क्या बचा भैया, बराबर में बचा 1, यहाँ बचा 18 अंश, ठीक है। अब क्या करना है, इसे पक्षांतर कर लेंगे आसानी से, यहाँ मेरे पास 90 है प्लस में यहाँ 18 हो जाएगा, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये मेरे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, बराबर में ये यहाँ है 2 उधर जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा ना। अब इसे हम जोड़ लेंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा और 9 एक 10, बराबर में यहाँ 3a हो जाएगा, a बराबर मुझे 108 बटे 3 हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 थी 9 एक बचा, हमारे पास कितने हो जाएंगे 18 तिछाक 18, जो a का मान बच्चों आ जाएगा वो हमारा 36 अंश आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।